जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स या त्रिभुजों का सर्वांग समता। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो जिसको हिंदी में हम लोग सर्वांग समता बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब समझिए थोड़ा। जब कॉन्ग्रुएंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी। बट कोई भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब दोनों का शेप साइज सब एक जैसा अगर हो, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे कि देखिए, मेरे पास ये दो डायरी है, ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम मेजरमेंट के हैं, मतलब समान माप का है, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम आकार का, सेम आपका मतलब शेप, हर चीज इसका शेप साइज सब कुछ सेम है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाया। या फिर मेरे पास ये दो पेन है, इसको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कलर पे नहीं जाएंगे, कलर तो अलग है, वो चलेगा, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा क्योंकि दोनों का शेप और साइज सेम है। तो कलर मैटर नहीं करता है, बट शेप और साइज अगर सेम हो तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और ये तो 3D शेप है इसलिए, बट ट्रायंगल का हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे जो कि 2D शेप का है। इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल को तब कहेंगे जब उसमें कुछ कंडीशंस लागू होंगे, और वो कंडीशंस अगर हमको मिल जाएगा तो दोनों ट्रायंगल जो होगा वो मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे, जैसे कि हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, इस टाइप का अगर ट्रायंगल है दोनों का, तो खैर ये हमको दिखने में तो लग रहा है कि ये डिफर है, डिफरेंट है, तो मे भी हो सकता है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ही, क्योंकि ये दिखने में ही डिफर हो रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दिखता समान है, अब अगर मैं 1 सेंटीमीटर उसको छोटा कर दूं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, लगेगा कॉन्ग्रुएंट है बट कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं। तो उसी को हम लोग कंडीशन से समझेंगे कि किस किस कंडीशन पे मेरा दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट चेक करने के लिए दो ट्रायंगल चाहिए, कम से कम 3-4 भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ दो ट्रायंगल का पढ़ना है कि किसी भी दो ट्रायंगल को लेंगे और अगर वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं उसको चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन हम लोगों को मिलेगा, उसी कंडीशन का यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट में ही हम लोगों को ये पढ़ लेना है SSS, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसको इस तरह से बोलते हैं कि SSS, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, पहला टाइप है, ठीक है, पहला पार्ट टाइप जो बोलना बोलिए। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी वाले को भी SSS ही पढ़ना होता है। इसका होता है साइड साइड साइड, ठीक है, जिसको भुजा 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 इस तरह करके पढ़ सकते हैं हम लोग। देखिए, इसमें कौन, इसमें क्या है कि कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, अगर कंडीशन मेरा दिया है कुछ, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, अगर मेरा कंडीशंस कुछ दिया पे है अगर मेरे पास, तो उसके कंडीशंस को चेक करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन है साइड साइड साइड, कहने का मतलब कि इसका एक साइड मान लेते हैं ये ABC है, ठीक है, और ये PQR है, ट्रायंगल का नेम है, ठीक है, AB साइड जो है वो PQ के इक्वल अगर है, ठीक है, यहां मैं लिखते जा रहा हूं कि AB अगर PQ के इक्वल होगा, BC QR के अगर इक्वल है, ठीक है, तो BC इक्वल्स टू QR, और तीसरा अगर AC भी PR के इक्वल है, AC इक्वल्स टू PR, ठीक है, तो तीनों साइड मेरा क्या है, इक्वल है दोनों में, तो हम इस ट्रायंगल, दोनों को ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरा ट्रायंगल PQR के, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि SSS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से मेरा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इक्वल हो गया। कैसे हुआ, कंडीशन क्या था, तो तीनों साइड जो है, इसका तीनों साइड उसके तीनों साइड के इक्वल है, ठीक है। अब आप सिंपल से समझिए कि ये अभी सीधा इसी तरह था, सेम जैसा था, तो ये आप ऐसे भी मुंह से बोल सकते थे कि देख के ही कि हाँ इक्वल जैसा लग रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, बट ऐसे इसको इसी तरह नहीं बोलना है, उसमें कंडीशन देना होना चाहिए। साथ ही साथ ये देखिए इसमें कि हो सकता है मे भी इस ट्रायंगल को उल्टा कर दिया जाए, मान के चलिए कुछ इस तरह का अगर दे दिया जाए हमको, ठीक है, तो ये तो उल्टा हो गया, तो अगर मेरा दिया होता कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके, तो भी मेरा ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता, क्योंकि कंडीशन मेरा दिया हुआ है अगर, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कंडीशन देना चाहिए, खुद से आपको नहीं करना है, इसमें कंडीशन दिया होना चाहिए ये तीन को, तब हम एस तो हमको अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम चेक कर लेंगे कि अगर तीनों साइड उसमें इक्वल है तो हम उसको बोल सकते हैं कि SSS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक चीज समझिए कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका सारा एंगल, सारा साइड, तो खैर इसमें साइड तो इक्वल होगा ही, इसमें हो गया है, लेकिन सारा एंगल, सारा साइड, हर कुछ, मतलब जितना उसका शेप और साइज में आएगा सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो एंगल बन रहा है मेरा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल है ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अगर कोई भी कंडीशन अगर लागू होता है तो उसका सारा जो पार्ट है वो इक्वल होगा एक दूसरे, दोनों ट्रायंगल का, ठीक है, एक दूसरे से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी है हमारा SAS, ठीक है, उसको हम लोग साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा, ये कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसमता बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में सर्वांगसमता बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। चलिए देखिए, अब इसमें दो ट्रायंगल है, दोनों का शेप अलग है या नहीं, कंडीशन देखिए क्या दे सकता है आपको SAS से। ठीक है, अगर मेरा कोई भी एक साइड इसके एक साइड से, ठीक है, यहां पे PQR होगा, ठीक है, PQR, तो AB जो है मेरा PQ के अगर इक्वल दिया है, ठीक है, AB जो है वो क्या होगा, PQ के इक्वल होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर एंगल है यानी कि एक एंगल, तो ये एंगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एंगल B जो है वो मेरा एंगल Q के इक्वल है, तो क्या दिया है मेरा यहां पे कि एंगल, एंगल बी जो है वो मेरा एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, ये कंडीशन दूसरा रहा, और तीसरा कंडीशन ये रहा कि बी सी जो है वो मेरा क्यू आर के इक्वल है। तो देखिए साइड एक साइड हो गया, फिर एंगल एक एंगल हो गया, बीच का, बीच का, ठीक है, ध्यान रखिएगा बीच में एंगल, इसलिए बीच का एंगल, और फिर साइड है तो एक साइड और मेरा इक्वल हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, या सर्वांगसम हो जाएगा। तो ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है, सर्वांगसम का साइन कुछ इस तरह होता है, ठीक है, ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये मेरा, अगर ये तीन कंडीशन दिया है, अगर कि एक साइड बीच का, उस दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर मेरा इक्वल है दो ट्रायंगल का, तो हम दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम कह सकते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे का। ठीक है, तो ये SAS सर्वांगसमता आपका कंप्लीट है। ठीक है, अब जब कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद बताऊंगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका क्या यूज है। नेक्स्ट है हमारा ASA, जिसको हम लोग एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए दो ट्रायंगल दिया है ABC और PQR, अगर इसका एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, ठीक है, दिया है एंगल A जो है एंगल P के अगर इक्वल हो जाता है, साथ ही AC, अच्छा एक, चलिए एक कोण और है, एंगल C जो है एंगल R के अगर इक्वल हो, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हो, और दोनों के बीच का जो साइड है वो अगर एक दूसरे से इक्वल हो, जैसे AC इक्वल्स टू क्या दे दे, अगर PR दे दे, मतलब क्या हो गया एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो ये अगर तीन अगर इक्वल हो जाते हैं तो पूरा जो मेरा दोनों ट्रायंगल है वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो मेरा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल को, और अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका सारा चीज इक्वल होने वाला है, जैसे एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि एंगल क्यू जो एंगल सी का इक्वल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एंगल क्यू अगर इधर है तो एंगल बी इधर इक्वल होगा। ठीक है, एंगल क्यू और बी, या ए बी पी क्यू इक्वल हो सकता है साइड, या बी सी क्यू आर इक्वल हो सकता है साइड, तो इस तरह करके अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो फिर उसका सारा जो मेजरमेंट है वो इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल का, चाहे वो एंगल का मेजरमेंट हो, कोण का, या फिर साइड का मेजरमेंट हो, जिसको भुजा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट है हमारा AAS, जिसको एंगल एंगल साइड या कोण कोण भुजा भी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का एक टाइप है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, देखिए अगर कंडीशन दिया है, क्या क्या दिया है कि एक एंगल दिया है, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है,
और ये ट्रायंगल होगा पी क्यू आर, ठीक है। तो फिर अगर मेरा एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल दिया है, ठीक है, कंडीशन दिया है ये एंगल ए जो है वो मेरा एंगल पी के इक्वल है, और फिर एंगल बी जो है वो मेरा एंगल क्यू के इक्वल है, अगर एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एक साइड दो एंगल हो गए लगातार, उसके बाद एक साइड ये साइड और ये साइड, यानी कि बीसी इक्वल्स टू क्या दिया है मेरा क्यू आर अगर दिया है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। किस कंडीशन से? तो AAS सर्वांग समता से, या AAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, और साथ ही इसका सारा मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे आपका AB जो है वो PQ के इक्वल हो सकता है, BC जो है वो QR के इक्वल हो जाएगा, या AC जो है वो PR के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब है RHS, जिसको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड या फिर समकोण कर्ण और भुजा, अगर ये कंडीशन दिया हो, क्या क्या है, अगर दो मेरे पास ट्रायंगल है, फिर वही नाम दे देते हैं ABC और PQR, ये दो हमारे पास ट्रायंगल दिया है, हमको पता करना है कि कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हमको क्या तीन कंडीशन देना चाहिए, क्या कि पहला तो दोनों का राइट एंगल होना चाहिए, कोई भी एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनस जो है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनस इसमें AC है और इसमें PR है, तो दोनों इक्वल है, हम लिख लेते हैं एंगल बी जो है इसमें इक्वल्स टू एंगल क्यू है, और इक्वल्स टू ये क्या है 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। उसके बाद इसका जो हाइपोटेनस है क्या है AC, तो AC जो है मेरा वो किसके इक्वल होगा, इसका हाइपोटेनस यानी कि PR के इक्वल है, ठीक है, ये कंडीशन देना चाहिए। और एक कंडीशन और है, क्या है, तो कोई भी एक साइड उसका, कोई भी एक साइड अगर जो बच गया, अब तो दो ही साइड बचा ना, एक ये और ये के, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर इक्वल दे देता है, मान के चलिए ये इसका बेस जो है वो इक्वल दे रहा है, क्या है इसमें, तो BC इक्वल्स टू QR अगर दिया है मेरा, ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशन दिया है तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा मेरा ट्रायंगल ABC वो जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। किस आधार से? तो RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये कंडीशन के द्वारा ये दो ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और बाकी जितना भी इसका मेजरमेंट होगा वो दोनों इक्वल होगा दोनों का, ठीक है। चलिए अब ये जो अभी मैंने बताया ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का ये कंडीशंस था, अगर ये कंडीशंस दिया है अगर आपका क्वेश्चन में, तो आप ये दोनों ट्रायंगल को आसानी से बोल सकते हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब हम थोड़ा सा इसका क्वेश्चंस के बारे में आ जाते हैं कि आखिर इसका क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है। चलिए मान लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपके एग्जाम में आपको इस टाइप का दे सकता है, फिगर दे दे या कुछ भी दे दे आपको, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, इस तरह से दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ABCD जो भी दिया है, आपको बोला जा रहा है सी को फाइंड कीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया है आपको, डायरेक्ट बोल दिया है कि सी को फाइंड कीजिए। अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए उसको समझिए, इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज हो जाएगा। कैसे होगा यूज, देखिए हम एक चीज देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन सा, तो एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है ABD, ठीक है, या इसको ADB लिखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ADB, ठीक है, और एक ट्रायंगल साथ में बन रहा है, क्या बन रहा है, CDB, ठीक है, CDB, ये दो ट्रायंगल बना। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखिए कि एक एंगल जो है वो मेरा, अगर ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब कि दोनों एंगल जो है वो मेरा इक्वल है, क्या क्या कंडीशन है, तो देखिए इसमें इसका भी एंगल जो है वो CDB जो है, देखिए इसको समझा रहे हैं इसलिए लॉन्ग बनेगा थोड़ा, देखिए एंगल CDB मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ADB के इक्वल है, एंगल ADB के। चलिए पहला कंडीशन, BD जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए BD जो है मेरा वो दोनों में इक्वल है और सेम है, इसलिए BD इक्वल टू DD हो गया। और साथ में क्या दिया है कि एंगल ये जो दिख रहा है आपको DBC वही एंगल DBA होगा, कैसे, क्योंकि ये एक 90 डिग्री था और ये बीच से कट किया है, उसको बाइसेक्ट किया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल DBC इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, एंगल DBA, ठीक है, एंगल DBA, मतलब कि देखिए कौन सा सर्वांग समता इसमें लगा, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, तो ASA,
ASA एंगल साइड एंगल्स का सम लगा, जिसके कारण से ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया क्या हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है दो ट्रायंगल तो उसका सारा मेजरमेंट जो होगा वो इक्वल होगा। तो एंगल ए इसमें 45 डिग्री दिया है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब सवाल ये है कि आपको इतना बनाना नहीं है, आपको ये तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये दोनों सर्वांशम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमको डायरेक्ट ए जो है मेरा जो दिया है वही मेरा सी का भी मेजरमेंट होगा। तो ए अगर 45 दिया है तो सी भी मेरा 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग एंगल सी इक्वल टू 45। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको जब एग्जाम में मिलेगा तो इतना इजी नहीं मिलने वाला, ये इजी है, इससे थोड़ा टफ ही मिलेगा आपको एग्जाम में। तो जब क्वेश्चन का सेट मैं करवाऊंगा उस टाइम आपको देखने को बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। मैं एक मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में और कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए इसमें क्या है, इसको आप रेक्टेंगल या आयत नहीं समझेंगे। देखिए क्या है, ये कुछ इस तरह का फिगर दिया है, इसमें दिया क्या है, ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है, बस इतना ही दिया है। और क्या दिया है साथ में कि इसका ए बी का जो लेंथ दे दिया है वो 10 सेंटीमीटर और ए डी का 20 सेंटीमीटर दिया है। आपको बोल रहा है ए बी सी डी जो फिगर है उसका आपको एरिया निकालने बोला जा रहा है। क्या निकालने, एरिया, ठीक है, डरना नहीं। देखिए अब इसका एरिया निकालने बोला जा रहा है तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि हम ये देख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल है, किस वे में इसको हम देख सकते हैं, चलिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल को हम उसी अनुसार से ले सकते हैं, ए बी सी है तो सी डी ए लिख सकते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल क्या हो गया सी डी ए हो गया। चलिए क्या क्या है इसमें, तो डी ए सी जो दिया है मेरा एंगल जो है डी ए सी वो इक्वल है एंगल डी ए सी था, तो क्या हो जाएगा बी सी ए के इक्वल है, बी सी ए के इक्वल है। चलिए ये मेरा दिया पे है यहाँ पे, उसके बाद बी ए सी एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी एंगल डी सी ए के इक्वल है, ये भी दिया है क्वेश्चन में मेरा डी सी ए। चलिए और एक चीज क्या है कि ए सी जो है मेरा वो दोनों में कॉमन है, इसलिए ए सी इक्वल टू ए सी। क्या यहाँ पे ए एस ए सर्वांशमता आ रहा है, ए एस ए देखिए क्या क्या है, एंगल बीच का साइड और फिर एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल ये सर्वांशमता आया, तब क्या हो गया मेरा ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूफ हो जाता है मेरा, यानी कि CD जो है मेरा वो क्या हो जाएगा AB के इक्वल, ठीक है, CD जो है वो मेरा AB के इक्वल हो जाएगा, तो ये 10 है तो ये भी 10 ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा AD जो है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा BC के, तो AD इक्वल हो जाएगा BC, तो वो 20 है तो ये 20। चलिए तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये बी है और ये डी जो है ये मेरा दिया है क्वेश्चन में राइट एंगल लगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, राइट एंगल हो गया मान के चलिए, तो ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया को हम अगर फॉर्मूला पुट कर देते हैं एल इंटू बी, ठीक है, क्या होता है एल इंटू बी, तो 20 × 10 हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, और सेंटीमीटर दिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना इसका एरिया हो गया। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं देने वाला और इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं देने वाला है, वो थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन ही मिलेगा एग्जाम्स में आपके, बट ये मोटा मोटा कंसेप्ट ही आप रखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो आप लोगों ने समझा, त्रिभुजों का सर्वांशमता, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।